क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम, आप शॉर्ट में डब्ल्यू ए पी लिखिएगा टू इंटर ये नंबर एंड प्रिंट। प्रोग्राम कुछ ऐसा है, हैश इंक्लूड स्टडी डॉट एस, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एस, वाइड मैन ओपनिंग करनी ब्रेसेस के अंदर इंट ए एक वेरिएबल लिए, प्रिंट एफ के हेल्प से स्क्रीन में मैसेज दे रहे हैं इंटर ए नंबर, स्कैन एफ के हेल्प से मेमोरी में वैल्यू को इंटर कर रहे हैं, परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए सेमी कॉलम, फिर गेट सी एच क्लोजिंग करनी ब्रेसेस। यहाँ पे हेडर फाइल हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस के अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ है, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस के अंदर बहुत सारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो यूज किए हुए हैं, तो प्रिंट एप और स्कैन एप के लिए हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस लिखे। दूसरा है हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एस में गेट सी एस का कोडिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे गेट सी एस के लिए हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एस लिखे। अगर कोई प्रोग्राम में आप गेट सी एस का यूज नहीं कर रहे हैं तो हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच देने का जरूरत नहीं है। वाइड मैन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, प्रोग्राम रन करना स्टार्ट वाइड मैन से करता है। गेट सी एच टू होल्ड रिजल्ट ऑन स्क्रीन, ये प्रोग्राम में मैंडेटरी नहीं है, अगर आप रिजल्ट होल्ड मीन्स देखना चाहते हैं तो फिर गेट सी एच दे सकते हैं, अगर नहीं देते हैं फिर भी प्रोग्राम रन करेगा। तो प्रोग्राम का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था और फंक्शन। अब हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं, यहाँ पे हम लोग मैसेज दे रहे हैं इंटर ए नंबर, स्कैन एफ, परसेंट डी, एड्रेस ऑफ ए वैल्यू चला जाए, फिर प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा ए को आउटपुट किए, कंपाइल इसको कंपाइल करते हैं, एक एरर है, क्या है, ए को डिक्लेयर नहीं किए हैं, अनडिफाइंड सिंबल ए यहां पे आपको मैसेज देगा, तो आपको यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल इंट लेना होगा इंट ए, फिर कंपाइल करते हैं, नो एरर, फिर इसको रन करते हैं। देखिए जब रन किए तो यहाँ पे पहले से जो एक आउटपुट दिया था वो भी ओके आ रहा है। अगर आप चाहते हैं स्क्रीन पूरा क्लियर आए तो एक फंक्शन क्लियर स्क्रीन के लिए CLR SCR यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यहां पे यूज करते हैं CLR SCR।